देखो सबसे पहली बात यह है, नाम सबको लिखना चाहिए, हिंदू है या मुसलमान हो। देखो फायदा यह है, एक जाति बिरादरी का पता लग जाता है उससे। बहुत से आदमी मैंने सुना है कि भाई वो थूक क्या करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो गलत चीज है। प्रदेश सरकार का कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि जितने भी फल विक्रेता हैं कांवरिया मार्ग पर वो अपना नाम लिखें, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है कि नाम लिखने की किसी को कोई जरूरत नहीं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखो सबसे पहली बात यह है, नाम सबको लिखना चाहिए, हिंदू है या मुसलमान हो, कोई भी हो, जो उसकी बिक्री है वो होनी होनी है। गवर्नमेंट गलत फैसला नहीं लेती कभी भी, सही फैसला होता है उनका। सरकार का यह कहना है कि स्वच्छता का मामला है, सावन का महीना चल रहा है, तो नाम लिखने से स्वच्छता का क्या संबंध है? देखो कावड़ जहाँ से निकलती है वहाँ के लिए है ना ये, बाकी और जगह तो नहीं है। लेकिन आप यह बताइए कि इससे आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि एक असलम फल विक्रेता है और एक संकर फल विक्रेता है, कि दोनों में से शुद्ध कौन बेच रहा है? अगर नाम ही लिखा है आप पता लगा लेंगे कौन सा? ऐसे तो नहीं किसी का पता लगता, सरकार का यही तो इरादा है। किसी का पता नहीं लगता, बहुत से ऐसे है, ये भाई अगर मुस्लिम है इसका कोई पहचान थोड़े ही है, अगर ये नाम लिख रहेगा उससे पहचान होगी, हाँ भाई ये मुस्लिम है। वैसे नहीं पता लोगों के मन में कैसे संदेश जाता होगा कि इन्होंने नाम लिख रखा है? जैसे आप फल खरीदने आए, नाम लिखने के आधार से? देखो नाम लिखने से फायदा भी है नुकसान भी है, अगर दोनों चीज है, दोनों चीज है उसमें भाई। अगर कौन सा फायदा क्या अगर नाम लिखते हैं? देखो फायदा यह है, एक जाति बिरादरी का पता लग जाता है उससे। देखो जाति और बिरादरी के आधार पे अगर आप करोगे तो ऐसे तो छुआछूत नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे लोग जो हैं सामान नहीं खरीदेंगे उस पर्टिकुलर। नहीं खरीदने वाले खरीदते, देख लो कितने भाई हैं जो खरीद रहे हैं, हिंदू भी है मुसलमान भी है। देखो उनकी सिर्फ गवर्नमेंट जो बात बता रही है वो ये बता रही है, जो कांवड़िया आ रहे हैं उनको किसी बार की हानि ना पहुंचे, साफ खाना मिले, साफ सुथरा मिले, अच्छी चीज मिले उनको। बहुत से आदमी मैंने सुना है कि भाई वो थूक क्या करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस आदेश पर रोक लगा दिया उसने, सही करा है गलत करा, उसे बरकरार रखना चाहिए था प्रदेश सर, बरकरार रखना चाहिए था चीज को। जो बिकेगा वो तो बिकेगा माल, वो ऊपर वाला जिसको देता है उसको लेना पड़ता है। अब हम भी सुबह जाते हैं ड्यूटी जाते हैं, कोई काम करते हैं, जितने ऊपर वाले ने लिख दिया उतना ही मिलेगा, हो सके हम जा रहे हो यहाँ से रास्ते में छुट्टी हो जाए तो वापसी आ जाएंगे, नहीं मिलेगा ना उस दिन का, तो ये है बात।